देख रहे हैं न्यूज युग और मैं हूँ आपके साथ पूजा प्रथम। राजस्थान के पाली में एसिड माफिया फिर से हुए सक्रिय। बाड़ी नदी में रासायनिक तेजाब डालते हुए टैंकर को किया गया बरामद। सदर थाना पुलिस की है ये एक बड़ी कार्रवाई। आबू रोड और उदयपुर से आ रहा था ये रासायनिक तेजा, वहीं टैंकरों से लाया जाता है ये हानिकारक रसायन। इनके बिल और बिल्टी भी निकले फर्जी। दोनों टैंकर चालकों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस अब कर रही है इनकी जांच। उदयपुर और आबू रोड से वेस्टेज जो एसिड है उनको लाकर पाली के आसपास नदी नालों में या कहीं खड्डों में खाली किया जा रहा है। ये एक प्रकार से जो पोल्यूशन बोर्ड या पोल्यूशन के अगेंस्ट ऐसे कार्रवाइयाँ की जा रही थी इनकी तरफ से। कल ये सूचना मिली थी कि एक टैंकर है RJ9GA1215 उदयपुर से एसिड भरकर पाली में लाया जा रहा है। नाकाबंदी की गई, सदर थानाधिकारी और उनके स्टाफ द्वारा वहाँ को रोका गया जो नदी में खाली करने के लिए तत्पर थे। मौके से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जिनके नाम जो ड्राइवर हैं उनका नाम है रामा किशन सनोबर जिला नागौर का है, दूसरा है रोड एरिया के मांडावास का मगाराम सनोबोकर राम। इस टैंकर का ओरिजिन मालिक और मुख्य सरगना रावताराम जाट है जो मंडिया रोड पाली में रहता है और एक सुरेंद्र सिंह नामक आदमी है जो इसका पार्टनर है। काफ़ी समय से ये काम कर रहे हैं और करीब महीना भर से पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी, तब जाके कल सब बता देते। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।